हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये वीडियो फिर से एक निशा गुरगेन के बारे में है। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था निशा गुरगेन के बारे में, जिसमें मैंने उसको सपोर्ट किया था। तो मुझे बहुत सारी कमेंट आई थी कि आप उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो, उसको डिफेंड क्यों करो, डोंट डिफेंडिंग हर। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ उसका जो फाइनल रिप्लाई है। आप उसको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने उसको सपोर्ट क्यों किया था और आपको भी उसको सपोर्ट क्यों करना चाहिए। बहुत सारी कमेंट आई थी कि उसको सपोर्ट नहीं करो। तो गाइस, होता क्या है यार, जब इस तरह के कोई वीडियोस वायरल होते हैं किसी पर्सन का, आप सोच सकते हो कि उस पर क्या बीतती होगी, उसका माइंड लेवल कितना डिप्रेस हो जाता होगा, उसकी फैमिली पे क्या बीतती होगी, उसके फ्रेंड्स, उसके जो भी जानने वाले चाहने वाले हैं उस पर क्या बीतती होगी पर्सनली उसको। और ऑलरेडी आप देख रहे हो, इस समय लॉकडाउन में इतनी ज्यादा स्ट्रेस लोगों को हो चुकी है। क्या क्या स्टेप लोग ले रहे हैं, आप क्या चाहते हो कि कोई ऐसा भी स्टेप ले। अभी आपको पता ही होगा दिल्ली में क्या हुआ सिया कक्कर के साथ। तो इस तरह के, मेरा मानना है कि जब लोग इस तरह डिप्रेस हो जाते हैं तो इस तरह के स्टेप ले लेते हैं। इसलिए हमें सपोर्ट करना चाहिए उसका, ना कि उसके वीडियोस को वायरल करना चाहिए। मैं इस वीडियो में ये ट्रूथ नहीं बताना चाहता हूँ कि वो वीडियो उसका है कि नहीं है, वो आपको पता ही होगा, आपने बहुत सारे वीडियोज देख रखे होंगे ऑलरेडी। बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस वीडियो को बनाने का कि यार हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हमें उस वीडियो को नहीं वायरल करना चाहिए, जो भी है जहां भी है उसको डिलीट कर दो, स्टॉप करो, और उसे सपोर्ट करना चाहिए मॉरली, ना कि उसको गाली देना चाहिए कि ये क्या किया। बहुत सारी चीजें गलती हो जाती हैं, मिस्टेकली ऐसी चीजें हो जाती हैं अगर उसकी रियलिटी है तो। बट हमारी जो ड्यूटी होती है वो ये है कि हमें इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए। चलिए मैं आपको उसका फाइनल रिप्लाई दिखा देता हूँ कि वो किस लेवल पे अभी गुजर रही है। आप ये वीडियो उसका देख लीजिए। जैसे कि आप सबको पता है अभी सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं आप लोगों को सफाई देने आई हूँ, ना मैं कुछ बोलूंगी। लेकिन मैं लाइव आई थी तो उसमें से कुछ लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स को कट किया और उस वीडियो के साथ जाके जोड़ दिया और मुझे गलत प्रूफ किया है। तो मुझे ये कहना है कि आप ये सब चीज जो कर रहे हो उसकी वजह से मुझे और मेरी फैमिली को क्या क्या देखना पड़ रहा है और कैसी कैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है वो हमें पता है। एंड मैं लिटरली डिप्रेशन में चली गई हूँ, मैं दवाइयाँ ले रही हूँ और जो मैंने अपना करियर बनाया है वो पूरा स्पॉइल हो रहा है। तो गाइज प्लीज बंद कर दो ये सब, मत करो प्लीज। तो गाइज आपने ये वीडियो देख लिया, आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे वो कितने डिप्रेस और कितने हार्म लेवल से गुजर रही है। तो क्या आपको लगता है कि आपको उसे और हार्म करना चाहिए और इस तरह की चीजें फैला के उसको और डिप्रेस में डालना चाहिए? तो यार मैं आपसे भी विनती करता हूँ और जो जो लोग इस वीडियो को देखे हैं सबसे विनती करता हूँ कि प्लीज उसको सपोर्ट करो और उस वीडियो को ना शेयर करो और उसके रिलेटेड कोई भी बातें मत करो, मतलब चीजों को अब यहीं स्टॉप करो यार, हो गया बहुत। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को पता चले उसकी रियलिटी। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लाता रहूंगा और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और न्यूज आती है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।